सोए गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत करता हूं मैं आपका अपने गेमिंग चैनल में, जिसका नाम है गेम बॉय। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहे हैं ओशन इज होम आइलैंड लाइफ सिमुलेटर गेम। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम इस आइलैंड पे कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर तीन जॉब है जो कि हम कर सकते हैं। एक जॉब है पार्सल डिलीवरी की, दूसरी है कार्गो डिलीवरी की और तीसरी है गार्बेज की। तो आज हम ये तीनों ही जॉब करेंगे और देखेंगे कि कौन सी जॉब में सबसे ज़्यादा फायदा है। तो सबसे पहले मैं करने वाला हूँ पार्सल डिलीवरी की जॉब। पार्सल डिलीवरी की जॉब हम कोई सी भी गाड़ी से कर सकते हैं। वैसे अपना ट्रक खड़ा है तो मैं ट्रक ही ले जाऊँगा, क्योंकि अपने को कार्गो डिलीवरी भी करनी है ना, तो उसमें ट्रक यूज होगा, तो बार बार कौन गाड़ी चेंज करेगा। बैठते हैं अपने ट्रक में और चलते हैं पवन शॉप। पवन शॉप में इसलिए जा रहा हूँ, वहाँ पर पोस्ट ऑफिस है और पोस्ट ऑफिस से ही अपने को पार्सल लेने हैं और हमें दूसरे पोस्ट ऑफिस में डिलीवर करने हैं। पार्सल पहुँचाने के अपने को पैसे मिलते हैं, बट वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने डिस्टेंस पे हम पार्सल पहुँचा रहे हैं। अगर कहीं दूर का पार्सल हुआ तो अपने को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और पास का हो तो थोड़े कम मिलते हैं। तो बस हम पहुंचने ही वाले हैं पवन शॉप में। मैं अपने ट्रक को अंदर ही ले जाता हूँ। अब ये पवन शॉप कितनी मस्त कर दी ना यार अपडेट के बाद। मैं तो बहुत टाइम बाद आयो पवन शॉप पे। तो उतरते हैं अपने ट्रक में से और ये देखो गाइस, ये बाहर ही है पोस्ट ऑफिस। एक बार चल के इस बंदे से, मतलब अपना फ्रेंड ही है, इससे मिल लेते हैं। वैसे अपने फ्रेंड का नाम है टिल्लू और ये बढ़िया बड़े आइटमें बेचता है। इसके पास बुलेट है यार, स्नाइपर की बुलेट नहीं है इसके पास? नहीं, स्नाइपर की तो बुलेट नहीं है। तो अपने काम की तो यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, सारी आइटमें अपने पास है। तो खैर हम पार्सल उठाते हैं। ये है सिटी मॉल पोस्ट ऑफिस का पार्सल, जिसे पहुँचाने पे अपने को $47 मिलेंगे। और ये है सिटी बीच पोस्ट ऑफिस का पार्सल, $14 मिलेंगे, पास का ही है। यहाँ पर एयरपोर्ट का भी पार्सल है, जिसे पहुँचाने पर $191 मिलेंगे। पर मैं आपको ये समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो हम सिर्फ सिटी मॉल पोस्ट ऑफिस का ही पार्सल उठाते हैं और रखते हैं उसे अपने ट्रक में। जब मैंने ये गेम खेलना स्टार्ट करी थी ना, तो मैं पार्सल डिलीवरी का ही काम करता था पैसे कमाने के लिए। तो मैंने दोनों पार्सल अपने ट्रक के अंदर रख दिए हैं। इतना बड़ा ट्रक और दो छोटे छोटे से पार्सल, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। तो अब हम चलेंगे सीधा सिटी मॉल, लेकिन उससे पहले चलेंगे सर्विस स्टेशन पे। बहुत टाइम हो गया हमने अपने ट्रक की ना सर्विस ही नहीं कराई भाई, तो एक बार इसकी सर्विस करवा लेते हैं। पता चला रास्ते में ये बंद पड़ गया। वैसे सर्विस स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, तो लगे हाथ काम ये करा ही लेते हैं। जब से यहाँ पर नए नए घर बने हैं, अपार्टमेंट बने हैं, ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही हो गया यहाँ पर। ये देखो भाई, पहले इतनी गाड़ियाँ नहीं थी यहाँ पर। तो आ चुका है अपना सर्विस स्टेशन, मुझे अपने ट्रक की सर्विस कराने के लिए इसको अंदर ले जाना पड़ेगा। भाई इतना बड़ा ट्रक है, ढंग से चढ़ भी नहीं रहा ये। चढ़ गया क्या? पता नहीं यार। तो खैर मैं अपने ट्रक से नीचे उतर चुका हूँ, अब चलते हैं इसमें क्या क्या दिक्कत है देख लेते हैं। ओके, तो भाई इसका इंजन तो 79, मतलब ज़्यादा ठीक ही है इंजन, बट इसके व्हील देखो, पूरे व्हील घिस चुके हैं। तो मैं इंजन भी ओके करा लेता हूँ और ये व्हील भी फिक्स करा लेता हूँ, मतलब ठीक करा लेता हूँ। अब अपने ट्रक की प्रॉपर सर्विस हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं सीधा अपने पार्सल को डिलीवरी करने के लिए सिटी मॉल पोस्ट ऑफिस। अपडेट के बाद ये बहुत मस्त चीज़ करती है कि सर्विस स्टेशन के पास ही पेट्रोल पंप बना दिया है। अब हम आराम से यहाँ से पेट्रोल भरवा सकते हैं। और मुझे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं था अपने ट्रक में पेट्रोल ख़त्म ही होने वाला है, तो इसे फुल करा लेते हैं। अपने ट्रक की सर्विस भी हो गई है और इसके अंदर पेट्रोल भी फुल करा दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैप में देख लेता हूँ कि सिटी मॉल कहाँ पर है, यहाँ पर मैं मार्क लगा लेता हूँ ताकि हम इजीली यहाँ पर पहुँच जाएं। तो वैसे अपडेट के बाद ये मार्क वाला सिस्टम अच्छा कर दिया, मार्क से हम उसी लोकेशन पर पहुँचते हैं, बार बार अपने को मैप ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो हम शॉर्टकट मारते हुए पहुंच गए हैं सिटी मॉल। लेकिन यार इस गेम में ना पेड़ ज्यादा कर दिए हैं, अपने को पेड़ से बहुत दिक्कत आती है ट्रक चलाने में, गाड़ी चलाने में बार बार ना पेड़ के अंदर ठुक जाता है अपना ट्रक, तो भाई बहुत दिक्कत हो रही है। इस गेम में थोड़े पेड़ पौधे कम करो भाई। तो गाइस ये है सिटी मॉल का पोस्ट ऑफिस। अपने ट्रक से उतरते हैं और दोनों पार्सलों को निकाल के ना इसके अंदर डाल देते हैं। बस ज्यादा कुछ नहीं करना, अपने को यहाँ से पार्सल उठाकर ये बीच वाले हॉल में डालना है। और अपना पार्सल डिलीवर हो चुका है, दूसरे पार्सल को भी ऐसे ही डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम पार्सल डिलीवर करके भी पैसे कमा सकते हैं इस गेम के अंदर। और अब बात करते हैं नेक्स्ट जॉब के बारे में। नेक्स्ट जॉब है कार्गो डिलीवरी। उसके लिए अपने को ट्रक या बड़ा व्हीकल चाहिए, तो अभी अपने पास ट्रक है तो हम ट्रक का ही यूज़ करेंगे। तो मैं करता हूँ मैप ऑन और देख लेता हूँ कि कार्गो जॉब के लिए सबसे पास लोकेशन कौन सी पड़ेगी। आप जो देखे ना इस मैप के अंदर ये बिल्डिंग बिल्डिंग सी, ये है वेयर हाउस। हर लोकेशन के अपने अपने वेयर हाउस हैं और यहीं से हमें कार्गो को पिक करना है, उसे डिलीवरी करना है दूसरे वेयर हाउस पे। तो चलते हैं किसी पास वाले वेयर हाउस में। जल्दी निकालो यार अपना ट्रक, यहाँ पे तो जाम लग गया। मैंने बीच रास्ते में अपना ट्रक खड़ा कर दिया, भाई ये मुझे गालियाँ दे रहे होंगे गाड़ी वाले। तो निकलते हैं यहाँ से। तो हम पहुंच चुके हैं वेयर हाउस, मुझे अपने ट्रक को ले जाना पड़ेगा अंदर। आप जो ये वेयर हाउस के आगे कार्गो को देख रहे हो ना, इसी के आगे हमने अपने ट्रक को लगाना है और हमें पता चल जाएगा ये कहाँ का कार्गो है और इस कार्गो को पहुंचाने के हमें कितने पैसे मिलेंगे। तो ये कार्गो है कैरी का और इसे पहुंचाने के हमें मिलेंगे 1340 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है भाई कैरी का ही है, ये पेंट का कार्गो है तो इसके 1270 मिलेंगे। नेक्स्ट है पेरी का, इसके भाई 1938 रुपये मिलेंगे अपने को, ये भी कैरी का है। तो मैं काम करता हूँ, जो ज़्यादा पैसे वाला कार्गो है ना उसी को पहुँचाते हैं, उस कार्गो डिलीवरी से अपनी ज़्यादा कमाई होगी। तो हम अपने ट्रक में लोड करने वाले हैं कैरी का कार्गो और इससे अपने को 1938 की कमाई होगी। और ये कार्गो ना हमें भाई 2 मिनट में पहुँचाना है, 2 मिनट में देखते हैं पहुँचा पाते हैं कि नहीं। वैसे रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है तो मुझे थोड़ी तेज़ अपने ट्रक को चलाना पड़ेगा। अगर ये कार्गो हमने 2 मिनट में नहीं पहुँचाया ना तो ये काम अपने को फ्री में ही करना पड़ेगा, इसके अपने को कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। अपने पास इस कार्गो को पहुंचाने का टाइम बहुत कम है। और अबे नहीं यार ये तो वैसे ही लेट हो रहा, ऊपर से अपनी ये ट्रक और ठुक गया। तो मैं शॉर्टकट मारते हुए जाना पड़ेगा अपने को, भाई शॉर्टकट लेना ही पड़ेगा वरना कार्गो पहुंचाने में मैं लेट हो जाऊंगा। अपने पास सिर्फ 13-14 मिनट ही बचे हैं, तो वैसे हम पहुंचने ही वाले हैं। अबे नहीं, अबे यार ये क्या हो गया, एंड मौके पर ये क्या हो गया अपने साथ। इस मनोज गाड़ी वाले को भी अभी आना था तो ये क्या बना दिया यहाँ पे, भाई ये तो है क्या। ओबे यहाँ पर भी अटक गया, ख़त्म हो गया भाई, टाइम ख़त्म हो गया, अपने ट्रक को निकालो यहाँ से, तो यहीं पर अटक गया। अबे यार टाइम ख़त्म हो गया, अब ये काम अपने को फ्री में करना पड़ेगा, इसके अपने को कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। ये अपना ट्रक यार एंड मौके पर देखो काटता है। मैंने बड़ी मुश्किल से इस ट्रक को बाहर तो निकाल लिया, बट अपना जो डिलीवरी का टाइम था ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है और अब अपने को ये डिलीवरी फ्री में करनी पड़ेगी। पर एक चीज़ तो है यार, ये नया बना एकदम अपडेट के बाद ना, यहाँ पर ये शिप वगैरह आते हैं और यहाँ से जो बड़े बड़े कंटेनर है ना शिप में लोड होकर जाते हैं। यार इस गेम में क्या मस्त मस्त अपडेट आ रहे हैं ना। तो कार्गो की डिलीवरी तो मैंने कर दी, अब निकलते हैं यहाँ से और अब चलते हैं अपनी थर्ड जॉब पे, जो कि है गार्बेज कलेक्ट जॉब की। इसी जॉब में अपने को एक ट्रक मिलेगा जिसके अंदर हम सारा जो गार्बेज है ना सोसाइटी का वो कलेक्ट करेंगे और उसे फैक्ट्री में
जो कि एक रिसाइकल फैक्ट्री है वहाँ पर दे देंगे और उससे अपने को पैसा मिलेगा। तो चलो चलते हैं उस लोकेशन पे जहाँ पर अपने को वो ट्रक लेना है, उसके बाद चलेंगे गार्बेज कलेक्ट करने के लिए। तो हम उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहां पर अपने को गार्बेज ट्रक मिलेगा। अपने ट्रक को अंदर ले जाकर मैं ये साइड में खड़ा कर देता हूँ। और ये देखो गाइस, ये जो साइड में खड़ा है ना, यही है गार्बेज ट्रक। कितना बड़ा ट्रक है ये। तो चल के बैठते हैं अपने इस ट्रक में और चलते हैं उस लोकेशन पे जहां पर अपने को गार्बेज मिलेगा। वैसे जो ये आप मैप के अंदर देख रहे हो ना डस्टबिन के निशान, हमें इसी लोकेशन पे जाना है। अपने को यहीं से गार्बेज कलेक्ट करना है। इस ट्रक को ना मुझे बहुत ही आराम से चलाना पड़ेगा, बहुत हैवी ट्रक है यार, चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है इसको, ये संभालना मुश्किल हो रहा है इसको। तो मुझे तो बहुत ही प्यार प्यार से चलाएंगे इसे हम। तो हम पहुंच चुके हैं उस सोसाइटी में जहाँ पर अपने को गार्बेज मिलेगा। यहाँ पर कूड़ा करकट ज़्यादा होता है ना। अबे यार एक दिक्कत हो गई, हम अपने इस गार्बेज ट्रक को तो खाली करना भूल गए। इसमें देखो कितना सारा गार्बेज भरा हुआ है। तो मैं क्या करूँ इसको, मैं थोड़ा बहुत ही गार्बेज आएगा तो चलो कोई बात नहीं यार, ध्यान से उतर गया। वैसे जितना भी गार्बेज आएगा ना वो कलेक्ट कर लेते हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो अब अपना गार्बेज ट्रक है वो एकदम फुल हो चुका है। अब चलते हैं हम रिसाइकल फैक्ट्री में, इसे वहाँ पर देंगे और देखते हैं कि अपने को कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो आ चुके हैं हम रिसाइकल गार्बेज फैक्ट्री में, बस मुझे अपने इस ट्रक को घुमा के अंदर ले जाना है। अब इसे यहाँ से सीधा अंदर ले जाते हैं ताकि हम इसे खाली कर सके। हमें अपने इस ट्रक को तब तक पीछे ले जाना है तब तक इसे अनलोड करने का ऑप्शन नहीं आता। ओके, तो अनलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो गार्बेज जॉब से हमने $575 कमाए। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है इस गेम को खेलने के बाद के इन तीनों जॉबों में से ना, पार्सल डिलीवरी की, कार्गो डिलीवरी की और ये गार्बेज की, सबसे बेस्ट जॉब है ये गार्बेज की। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं और इससे हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं इस गेम के अंदर। तो बस इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Star.